यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिसार में हुई आम आदमी पार्टी रैली के बाद अब जनता का धन्यवाद करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सीएमओ अरविंद केजरीवाल प्रदेश के दौरे पर निकल चुके हैं। शुक्रवार को वो बहादुरगढ़ पहुंचे और उन्होंने रोड शो निकालकर जनता का आभार जताया। अम्बाला छावनी के महेश नगर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ आए दिन चोरी और छीना झपटी हो रही है और फिर भी पुलिस के हाथ खाली है। इस बार तो चोरों ने हद ही कर दी। महेश नगर के राजा पार्क में चोरों ने पहले तो छत पर बने कमरे में रखा सारा कीमती सामान चोरी कर लिया और बाद में सबूत मिटाने के लिए कमरे में आग लगा दी, जिसमें एक युवती भी जल गई और यहां पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। हरियाणा में अफसरों के तबादलों का दौरा जारी है। हरियाणा में अब 2 IAS और 25 HCS अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। 2 IAS और 4 HCS अधिकारियों का तबादला आदेश शुक्रवार को जारी किया गया है। फरीदाबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें 12 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है और आरोप पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों पर लगा है। उन्होंने उस युवती का रेप कर उसका एक वीडियो भी बनाया, जिसके बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है। हरियाणा में सरपंचों और ग्राम सचिवों के विरोध के बावजूद प्रदेश सरकार ई पंचायतों के प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाएगी। पंचायतों को जारी फंड के दुरुपयोग की लगातार शिकायतों के बाद खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ई टेंडरिंग जरूरी है।